नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको बताने जा रही हूँ टोस्ट का हलवा, जो खाने में भी स्वादिष्ट होता है और सबसे अलग होता है। आइए मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ। हम लेंगे बादाम, काजू कटे हुए, किशमिश, इलायची, टोस्ट लेंगे और पाउडर का दूध लेंगे, ऐसा सूखा जो पाउडर का दूध आता है, कोई भी कंपनी का होगा। टोस्ट को पीसने के बाद में मैंने इसका ऐसा आटा बना लिया है। उसके बाद में हम दूध लेंगे, आधा कटोरी चीनी लेंगे, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। पाउडर का दूध को हमने घोल बना के ऐसे आटा तैयार कर लिया है। उसके बाद में हमने घी चढ़ाया कढ़ाई में, आप अपने हिसाब से घी ले सकते हो, जो हमने गर्म कर लिया है। उसके बाद में इसको इसमें डाल लेंगे, ऐसे हमें हल्के आंच में इसको सेकना है, क्योंकि तो पहले से सिका होता है इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से आप इसको सेक लीजिए, तो देखिए इसका खाने का टेस्ट अच्छा है रहता है। जिस तरह हम आटे का सेकते हैं उस तरह से सेकना हमें। उसके बाद में जो हमने पाउडर का दूध जैसे मावा तैयार किया था, मावा आप बाजार का लाके भी डाल सकते हो, जो फीका मावा आता है बगैर चीनी वाला, गैस बंद कर दिया क्योंकि तो ज्यादा सिकने लग गया। ये देखो अंदर पिन हो गया है, गैस बंद कर दिया हमने। जल्दी जल्दी फास्ट चलाना है ताकि जो हमारा हलवा जले नहीं। उसके बाद में हम इसमें दूध डाल देंगे, दूध डालने के बाद हम गैस वापस ऑन कर देंगे, फिर इसको ऐसे चलाएंगे। चलाते रहेंगे, ये इसको दूध वापस पिलाना है, ये दूध अपने आप वापस पिएगा। तैयार सोचो जैसे हम आटे का हलवा, सूजी का हलवा बनाते हैं उसी तरह से ये भी इसमें मिक्स हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे हिलाते रहिए, हम हल्का सा घी डालेंगे ताकि घी डालने से इसका स्वाद अच्छा होएगा। हल्का सा घी डाला ऊपर से, देखिए घी छोड़ गए, ये घी छूटने तक हमें इसको सेकना है। ये घी छूटने लग गया, देखो अपने आप, ये देखिए साइडों में घी आ गए इसके। इसके बाद में गैस बंद कर देंगे और जो हमने
चीनी लिए, वो अपने हिसाब से डालेंगे। इसको ऐसे चला देंगे। आप चाहो तो चीनी पहले भी डाल सकते हो दूध डालते समय, इस तरह। इसके बाद में आप कुछ काजू बादाम इसमें डाल दोगे और किशमिश। इसके बाद में एक बोल लोगे, इसमें अपना हलवा इसमें डाल लोगे। बाद में ऊपर से ऐसे सजा दोगे। खाने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। ऊपर से हम ये इलायची ऊपर से डालेंगे ताकि इसमें खुशबू बने रहे। ले लीजिए, आपका टोस्ट का हलवा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप हमें ज़रूर बताइए और हमें लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।